अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप सबको गुल के किचन में खुश आमदीद एंड गुल के किचन की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। तो देखें आज मैंने कितनी ज़बरदस्त जो है वो शीर खोरमा की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो वीडियो को एंड तक देखें। ये बहुत डिफरेंट स्टाइल की शीर खोरमा जो है वो बन कर तैयार हुआ है। इसकी लुक भी डिफरेंट है और इसका टेस्ट भी डिफरेंट है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाजमी आपने पूरा देखना है एंड वेलकम टू माय नवी वीडियो। ये स्टेप तो कोई नहीं बताता, आम सी बात है, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए। देखिए सेवइयों को ना इससे छोटा करना है और ना ही इससे ज़्यादा लंबा करना है। इससे ये है कि आपके शीर खोरमे की जो लुक है वो से अच्छी आती है। अच्छा जी, ये मैंने पैन को जो है वो गर्म होने के लिए रखा है और इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो ऑयल या आप घी भी ले सकते हैं, आप ये ले लें और उसमें मैं ये अपनी जो सेवइयां हैं उनको डाल दूंगी। पर इसको ज़्यादा नहीं पकाना, हमने सिर्फ 1.5 से 2 मिनट जो है हम इसको ऑयल में भूनेंगे। ये देखिए जी 1.5 से 2 मिनट गुजर चुके हैं और ये हमारी सेवइयां जो हैं वो इसमें भुन चुकी हैं, तो इनको हम साइड पे कर लेते हैं। अब फिर हम 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल का लेंगे। आप देसी घी शामिल करें तो वो तो बहुत ही बेस्ट है। अच्छा, अब मेरे पास है बादाम और पिस्ता, तो मैं इनको भी जो है वो इसमें डाल के ऑयल में और मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। आप यकीन करें जो इसको भूनने के बाद जो टेस्ट आता है बहुत ही ज़बरदस्त इस शीर खोरमा में इसका टेस्ट लगता है। अगर आप सिंपल डालेंगे तो उसका टेस्ट डिफरेंट होगा और इस जो भुना हुआ आप डालेंगे इसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट होगा। आपने इसको भी 1.5 से 2 मिनट ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना, बस इसका जो है वो फ्लेवर आ जाए। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये 1.5 से 2 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम इनको ड्राई फ्रूट को भी जो है वो निकाल लेते हैं, साइड पे कर लेते हैं और इसकी जो खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी ज़बरदस्त खुशबू जो है वो इस टाइम पे इसकी आ रही है और इसका टेस्ट भी जो है वो डिफरेंट होगा। अच्छा जी, अब जो है हमारा मेन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब हम जो है वो 1 लीटर दूध का इसमें शामिल करेंगे। दूध मैंने जो है वो फुल फैट मिल्क लिया है, फुल क्रीम मिल्क लिया है, वो 1 लीटर हम इसको शामिल करेंगे इसमें। और दूध को जो है बहुत हल्की आंच पे पकाना है। और आपने 1 लीटर दूध लिया है तो 1/4 जो है आपने इसको सुखा देना है, ठीक है। और जितना ये दूध अच्छा बनेगा उतना ही आपकी जो शीर खोरमा है उसका टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। और ये मैंने 2 से 3 इलायचियाँ ली हैं और इनको मैंने पीस के और इसमें दूध में शामिल कर दिया है। अब दूध को जो है हम पहले तेज़ आंच पे हम इसको उबाल ही देंगे। जब एक बॉयल इसको आ जाएगा उसके बाद जो है हम इसको आंच जो है वो बहुत आहिस्ता कर देंगे और फिर इसको पकाएंगे। अच्छा जी, अब हमने दूसरा पैन लिया है और 1 कप हम इसमें चीनी की डालेंगे। इसमें हमने चमचा नहीं मिलाना और इसको जो है हम मेल्ट करेंगे, इसका कैरेमल बनाएंगे और चीनी को जलाना नहीं है, सिर्फ आपने इसको मेल्ट करना है। दूसरी तरफ दूध हमारा जो देखें ये बॉयल हो चुका है और हमने आंच इसकी अब जो है वो बहुत आहिस्ता कर दी है। ये दूध जो है वो इसी में सूखेगा, ये अच्छे तरीके से, ये जब इसका 1/4 कप जो है वो दूध का सूख जाएगा तो फिर हम इसका बाकी का प्रोसेस करेंगे और इसलिए हमने आंच जो है वो बहुत आहिस्ता कर दी है। अच्छा जी, ये देखें दूध हमारा पक रहा है और जो हमने अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ख्याल रखें कि जो उसका ऑयल या घी जो भी है वो साथ में ना आए, बस ठीक है। ये अब जो आप कच्चे डालेंगे उनका टेस्ट डिफरेंट होगा और जो आप इसमें रोस्ट करके डालेंगे उनका टेस्ट जो है वो डिफरेंट होगा।
अच्छा जी, दूध हमारा जो है वो थोड़ा खुश्क हो चुका है, तो अब हम अपनी सेवइयां इसमें डाल देंगे। सारी की सारी सेवइयां हम इसमें डाल देंगे। और दूसरी तरफ शुगर भी हमारी कैरेमलाइज्ड हो चुकी है, तो उसको भी हम जो है वो देखते हैं। अब ये देखें, अब इसको जो है इसमें हम पकने देते हैं। अच्छा जी, चीनी जो है हमारी वो कैरेमलाइज्ड हो चुकी है, और अब हम इसको आराम से इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, एहतियात करनी है, ये पूरा ऊपर आएगा और बहुत एहतियात से आपने ये करना है। इसका टेस्ट और इसका कलर बहुत डिफरेंट है और ये बहुत ज़बरदस्त लगेगी। आप लोग भी इसको ज़रूर ईद पे ट्राई करें। और ये देखें कितना खूबसूरत कलर इसका आ गया है। ये देखें जी कितने खूबसूरत ये लग रहा है और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे, तकरीबन से 3 से 4 मिनट हम इसको और पकाएंगे। ये देखें जी, हमारा शीर कोरमा तैयार हो चुका है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस ईद पे किस किस ने ये ऐसा शीर कोरमा बनाया है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें, ये डिफरेंट भी है, और मेहमानों के आगे रखिए इसको, और इसका टेस्ट भी डिफरेंट है और ये लुक वाइज भी डिफरेंट है। तो देखिए, अब हम इसको चूल्हा जो है वो बंद करते हैं और इसको थोड़ा सा हम ठंडा करने के लिए रखते हैं, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो जी, हम अपना शीर कोरमा जो है वो इसमें डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। मिलते हैं एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।